आप लोग इस आवाज को क्यों उठाते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर तमाम जितने भी एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, सबकी भी शायद पेंशन मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अंत में मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, युवा की आवाज ये भी कि जितने भी हमारे नेता हैं वो भारी भरकम जो है पेंशन लेते हैं, कोई एमएलए बन गया तो पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो उसके अलग से पेंशन, तमाम पेंशन लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप एक कांग्रेस से भी शुरुआत करें कि हमारी जितनी भी पार्टीज में हैं, जब बीजेपी कोई भी एक सियासी पार्टी है, आप नेता लोग खुद अपनी पेंशन छोड़ दें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक साल की बात करी, हम बोलते हैं कि बजाय एक साल के हमेशा के लिए इस पेंशन को क्यों ना बंद कर दिया नेताओं, क्योंकि ये तो समाज सेवा के लिए आते हैं 5 साल के लिए। जो एक सोल्जर जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तमाम ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो है अपनी पूरी जिंदगी 40 साल 42 साल जो है सर्विस में बिताते हैं, उसके बावजूद उनको पेंशन नहीं मिलती, लेकिन जितने भी आप लोग नेता लोग हैं आप लोगों को तो पेंशन मिल जाती है, वो भी डबल ट्रिपल, तो आप लोग अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे? देश हित में उनके साथ खड़े हैं, और ये जवान जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के सरहदों पे खड़े रहते हैं, ये दिल्ली पुलिस जो अपनी जान जोखिम में लेके खड़ी रहती है, ये सब लोगों को पेंशन नहीं मिलती लेकिन हमारे नेताओं को पेंशन मिलती है। सब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में अग्निपथ के, मतलब क्या आपको इसमें बुराई क्या लगी ये बताइए आप थोड़ा सा। जो पहले का कानून है वही सही था। अच्छा, पहले में और अब में आपको क्या लगता है क्या बड़ा बदलाव है? नो। अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि मैम को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी हम इनसे पूछते हैं, यहाँ पे इनको शायद पता होगा, बताइए। अच्छा, इनको भी नहीं पता होगा। मैम आपको कुछ पता है इस बारे में? सर यही है कि कुछ युवा मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा इधर आओ, जरा इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा बैकग्राउंड पे दिया हुआ है, हां इधर खड़े हो जाओ एक सेकंड। ओके, तो यहां पे कुछ युवा मुझे यहां पे दिखाई दिए, जरा जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। सर हम चाहते हैं ये अग्निपथ योजना भारत में लागू ना हो, इससे नौजवानों को नुकसान होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग करने वाला बंदा और चाइना की 2 साल की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पे कभी लड़ नहीं सकता है ना सर। और उसके बाद है ये कह रहे हैं कि 22 लाख रुपए पैकेज मिल रहा है, हम अमित शाह को कहना चाहते हैं और जो इसका समर्थन कर रहे हैं 15 लाख 12 लाख अमित शाह और जो जितने भी नेता इनका समर्थन कर रहे हैं अग्निपथ का, हम 48 लाख रुपए देंगे खुद अपना खेत बेच के, ये अपने लोंडे को भेजें वहाँ पर, भेजें बॉर्डर पर, और हम पैसे के भूखे नहीं, हम जा रहे हैं फ्री में, हम फ्री देश की सेवा करेंगे 20 साल, भेजें हमको, हमें सैलरी की जरूरत नहीं है कभी भी। देखो सर इलेक्शन थोड़ी आ रहा है, यो कैसे देख लो टूट गए इस मर मर गए। हाँ जी, जैन सर, सर मेरा इनरोलमेंट पेंडिंग है 2 साल से, मैंने जो उसका टेस्ट भी पास किया हुआ है, फिजिकल भी दिया है, मेडिकल भी पास किया है, और पीएसएल में मेरा नाम भी है, ऑल इंडिया रैंक है मेरी बिलो 500, लेकिन 2 साल से मैं लटकाया हुआ है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी और 14 जून को मैं एकदम से बोल दिया जाता है कि आपका इंटेक कैंसिल हो गया। इब हम क्या करें, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन इससे जुड़ी हुई है, जो हम तो एकदम से लाचार हो गए। ये कह रहे कि 4 साल के बाद आप यहाँ पे आओ, आपको दोबारा पैरामिलिट्री में नौकरी देंगे, लोगों को एक बार तो नौकरी दी नहीं जा रही, दोबारा नौकरी कैसे देंगे? ये हमें चौकीदार बनाना चाहते हैं, देश का सोल्जर को चौकीदार बनाना चाहते हैं ये लोग। ये सरकार बहुत गलत कर रही है हमारे संग सर, गलत कर रही है। हमको आर्मी एग्जाम चाहिए, जो पहले थी आर्मी की प्रक्रिया सारी वो सेम टू सेम चाहिए। अगर ये कहना चाहते हैं हमेशा कि ये 12 लाख रुपए दे रहे हैं, हम 48 लाख रुपए देंगे कुछ भी करके, जितने बार नेता समर्थन कर रहे हैं अग्निपथ का, उनके लोंडे को देंगे सारों को पैसे, वो अपने लोंडे को बॉर्डर पे भेजें और उसके बाद चौकीदार की नौकरी करें देश में, करवा के देखें। और हम अपना वादा करते हैं, फ्री में देश की सेवा करेंगे, हमको वर्दी दें और ट्रेनिंग चलती है वही ट्रेनिंग करेंगे हम फ्री में, 1 रुपया का लालच नहीं हमको। तो यहाँ पे युवा कह रहा है कि पैसे के ना तो भूखे ना लालची, इन्हें मतलब नहीं है कि वो 12 लाख दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, पहले जैसी भर्ती बहाल होनी चाहिए, जो चीज़ें पहले चल रही थी ये इनकी मांग है कि वही होना चाहिए। एग्जाम जो इनके अब तक लास्ट मोमेंट पे जिनको जो है एडमिट कार्ड इशू होने थे, किसी को मेडिकल के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, वो सब अचानक से रुक गया, इन सब के अरमान जो है वहीं पर रह गए, तो इनको बड़ा ही इस बात का रोष है। और यहाँ पे आप भी कुछ 2 युवा खड़े हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपका सवाल है कुछ मुद्दा? सर हम चाहते हैं इस अग्निपथ योजना को बिल्कुल लॉन्च नहीं किया जाए, क्योंकि जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी वो दोबारा बहाल की जानी चाहिए। पहले 80-90 हज़ार प्रतिवर्ष सैनिक बहाल की बहाली होती थी, और अब उन्होंने घटा के 50 हज़ार की, अब ये नई पद्धति लेके आए हैं कि हम अग्निवीर बनाएंगे और वो भी 4 वर्ष के लिए। सर क्या समझ रखा है, ये देश से मजाक चल रहा है एक हिसाब से, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। और सर एक और बात, इन्होंने कहा है कि ये 4 साल के लिए, ये तीनों सेना के प्रमुख हैं, इनको भी 4 साल के लिए रखा जाए, एक कुलेट सबको सेना में रखा जाना चाहिए ना, फिर इनको क्यों दिया जा रहा है 4 साल के लिए, बराबर देना चाहिए सेना को
चार साल के लिए। और इस देश की पुलिस और सीआरपीएफ सबके फौजियों को निवेदन है कि ये बच्चों पर अत्याचार ना करें, ये हमारा सपोर्ट करें, इनके भी बेटे जाएंगे फौज में, ये सब कुछ करेंगे। नहीं, वो आप सबको सपोर्ट करेंगे, संविधान के चलते हुए आपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। यदि कोई आगजनी करेगा, अब मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पर देश में आप जानते हैं किस तरह के हालात हैं, रेलों को फूंका जा रहा है, पटड़ियों को खाड़ा जा रहा है, तो स्थिति में तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनको आगे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा बताइए? आना पड़ेगा सर, वहां में सब खुद घुस रहे हैं, वो लगा रहे आग, हम नहीं लगा रहे, हम तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आप भेज देते हैं कि जाओ दो चार लोग मुंह पे साफी बांध के लगाए आग, हमको क्या पता। लेकिन क्यों सर, भेज नहीं सकती, राजनीति कुछ भी करा सकती है वो। युवा तो चाहेगा ही नहीं कि वो हिंसा करे, क्योंकि उसे खुद पता है अगर एक बार उसके पास एलिगेशन लगा तो उसका भविष्य बेकार है, इसलिए युवा क्यों आगजनी करेगा, क्यों हिंसा करेगा। आप कहाँ से आए हो सर? अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ चारों इकट्ठे आए हो? पांचों? नहीं सर, मैं अलीगढ़ से आया हूँ अकेला, और काफी लोग आ रहे थे आने। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। सर मैं बुलंदशहर से राहुल कुमार। अच्छा सर, और विक्रांत शर्मा। सन्नी सर, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से। मैं योगेश गाजियाबाद से। योगेश गाजियाबाद से। तो देखिए, युवाओं की मांग यही है, जो युवा कह रहे हैं इस पे जो है बार बार विचार तो किया जा रहा है पर अमल में नहीं ला जा रहा, तो हम यही चाहेंगे कि इन युवाओं की जो परेशानी है उसको भी समझा जाए और एक जो है कॉमन मीटिंग रखी जाए जिसमें इन युवाओं को सामने बिठा के, इनके प्रतिनिधियों को सामने बिठा के इनकी भी बातों को सुना और समझा जाए, ताकि ये जो आए दिन सब धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं, जो तोड़फोड़ चल रही है, इसको कहीं ना कहीं पर कम किया जाए और देश में जो शांति व्यवस्था है उसको पहले से सुचारू रूप में लाने के लिए उस पर जो है अमल किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। अभी लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ जंतर मंतर से। अभी तकरीबन यहाँ पे 3:30 का समय है और यहाँ पे यदि हम भीड़ की बात करें तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी प्रदर्शनकारी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तमाम जितने भी यहाँ पे आंदोलनकारी थे, बताया कि सुबह स्टार्टिंग में यहाँ पे बच्चे तो ज़रूर आए थे, यहाँ पे बैरिकेडिंग जो चारों ओर की गई थी उसके चलते हुए आसपास के लोग तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन आंदोलन की जगह ले ली गई थी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तो अभी इस समय जो हालात है, जो स्थिति है, इसको देखते हुए यही नज़र आता है कि जितने भी यहाँ पे तमाम राजनीति करने वाले जितने भी लोग थे सब लोग जा चुके हैं। और यहाँ पे प्रदर्शन की बात करें यदि हम बच्चों की या स्टूडेंट्स की या एप्लीकेंट्स की, तो मुझे यहाँ पे अभी दूर दूर तक कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहाँ तक के दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन थोड़ी देर पहले तक राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पे बहुत तादाद में थी, पर अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त यहाँ पे किए हुए हैं वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से किए, चारों ओर बैरिकेडिंग मैं आपको ऐसे दूर से दिखाना चाहूँगा, ये बैरिकेडिंग काफ़ी स्ट्रांगली की हुई है। बाकी जितने भी यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट ली है, एडिशनल सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी है, दिल्ली पुलिस के अलावा जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सीआरपीएफ की ओर से भी यहाँ पे तमाम जवान हैं और इनके गेयर्स आप देख सकते हैं, ये पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस स्थल की ओर जहाँ पे ये तमाम प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। अब देखने वाली बात यह कि वहाँ पे कोई दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो प्रदर्शन करने के लिए ये स्थल नियुक्त किया गया था जहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, पर यदि हम इस समय की अभी बात करें तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी प्रदर्शनकारी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बस कुछ महिलाएं और बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये एक कॉमन पाथ भी है, कॉमन रास्ता है जहाँ से लोग निकल रहे हैं। उसके अलावा प्रदर्शनकारी के नाम पे यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए अभी सुबह से जो है काफ़ी मेहनत मुश्तैदी के साथ जो पुलिस और सुरक्षा बल लगे हुए थे, शायद उनको भी थोड़ा सा भी रेस्ट का मौका मिला है। बाकी यहाँ पे कोई भी जो है कैंडिडेट्स, यदि हम बात करें अग्निपथ से संबंधित, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ खाली ये टेंट है और टेंट के चारों ओर सन्नाटा है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। तमाम यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के पर्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि इस वास्तविक मांग को जो बच्चों ने उठाई थी वो एक राजनीतिक रूप रंग लेती हुई दिखाई दे रही है। अभी तमाम तस्वीरें यहाँ पे देख पा रहे हैं, जबकि इन पॉलिटिशियंस का दूर दूर तक सेना से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इनके कोई बच्चे आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन तमाम ये लोग जो हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है मैं कुछ
आप लोगों का पूरा हो गया धरना प्रदर्शन? हाँ, आप बच्चों की तरफ से आए थे या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से? हम राजस्थान के गहलोत सरकार की तरफ से आए थे। तो आप यहाँ पे बच्चों के लिए क्या मांग रखने आए थे? अग्निपथ। अग्निपथ के बारे में क्या आप मांग रखना चाहते हैं? क्या था आपका मुद्दा? अपनी मांगे वापस ले मोदी जी। मैम कह रहे हैं कि अपनी मांगे वापस ले मोदी जी। कौन सी मांगे, थोड़ा सा बताइए जरा। आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, आप धरने में आए हैं, युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक नारी शक्ति भी युवाओं के साथ खड़ी है, पर मुझे लगा आपको थोड़ा पता होगा इस बारे में। ये अग्निपथ के मतलब क्या, आपको इसमें बुराई क्या लगी, ये बताइए आप थोड़ा सा। जो पहले का कानून है वही सही था। अच्छा, पहले में और अब में आपको क्या लगता है, क्या बड़ा बदलाव है? अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि मैम को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी हम इनसे पूछते हैं, यहाँ पे इनको शायद पता होगा। बताइए। अच्छा, इनको भी नहीं पता होगा। मैम आपको कुछ पता है इस बारे में? सर यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सब नाराज है इससे, पढ़े लिखे हैं, उनको ये कानून पसंद नहीं आया है, तो वो सब भड़के हुए हैं। इसलिए जो भी है ये कानून नहीं चलेगा मोदी जी का। मोदी जी ने हर बंदे को नाराज किया है, हर युवा पीढ़ी को नाराज किया है। रोजगार के मामले में मोदी जी बैठे थे काला धन लाने के लिए, और मोदी जी ये सब चीज़ें गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए जो मिलिट्री वाले बच्चे हैं उनको तो नहीं छेड़ना चाहिए। एक बच्चा है वो अपनी जान दाव पे लगाने जा रहा है, ठीक है, और वो मौत के मुंह में जा रहा है, उनसे भी उनका रोजगार छीना जा रहा है, तो ये सब गलत है। मोदी जी को ये अपना कानून वापस लेना चाहिए, और जो पुराना कानून है उसको रहने देना जाना चाहिए। अपने देश की समस्या है। सब आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ये कह दिया। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ये जो कुछ यहाँ पे बैठे हुए प्रदर्शनकारी, जो आपके मुझे लगता है कि शायद अपना धरना भी बंद कर चुके हैं, इनकी कुछ बातें थी जो इन्होंने रखी। हम बाकी आने यहाँ पे और भी कुछ बैठे हुए हैं नेतागण, मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। वैसे बच्चों के साथ ही आए थे क्या? ओके, वैसे मुझे लगता नहीं किसी बच्चे के साथ हैं, पॉलिटिशियंस लग रहे हैं मुझे। हाँ नमस्कार। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ और है। अच्छा मैम, कांग्रेस की प्रवक्ता मैम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और थोड़े से हम आपसे भी सवालात करना चाहेंगे इस मुद्दे पे। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एज प्रवक्ता काम करती हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा नाम है मेरा जी। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी जो हमारे मेहमान सैनिक होते हैं वो देश की सुरक्षा नहीं करते हैं। हमारे देश को मेहमान सैनिकों की जरूरत नहीं है। 20 साल का मिनिमम पीरियड था सैनिकों के लिए। आपने सीडीएस हो या फिर जो भी हमारे और अधिकारियों के लिए रैंक के लिए होता है, उसमें कोई तैयारी, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये सिर्फ सैनिकों के लिए हो रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आप दूसरी ताकतों को मौका दे रहे हैं? क्योंकि सैनिक अगर 4 साल के लिए आ रहा है तो उसमें वो जज्बा कहाँ से आएगा? अगर मुझे पता है कि किसी कोई भी नौकरी में 4 साल की है तो क्या मैं अपने पूरी निष्ठा से काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो देश के सुरक्षा को लेके इन जो सैनिकों की भर्ती है इसमें तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और युवाओं को सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे सरकारी चीज़ें हैं जिनको तोड़ फोड़ रहे हैं वो हमारे ही पैसों से बनी है, तो हमें उसको ख़राब नहीं करना है, बल्कि सरकार को मजबूर करना है कि हमारे जो ये सैनिकों को करने की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर संविदा पे जब भी कोई नौकरी होती है उसमें कोई जीवन या कोई भी आधार नहीं होता है, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, बोला गया यहाँ पे कि पेंशन बचाने के लिए जो रक्षा जो बजट है वो उस स्तर का नहीं है जहाँ पे हमें अपनी सेना को इक्विप्ड किया जाए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, तो इसके चलते इस पेंशन को थोड़ा कम मिनिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ सोल्जर्स को जो भली बढ़ा दिया गया है, लेकिन 4 साल के बाद 25% ही होंगे जो कंटिन्यू करेंगे, तो आपको लगता है कि इससे पैसा बचेगा? तो मेरा एक सवाल है, आप भी सब पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप लोग इस सवाल को क्यों उठाते हैं? जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर तमाम जितने भी MLAs हैं, काउंसलर्स हैं, सबकी भी शायद पेंशन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अंत में मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, युवा की आवाज़ ये भी कि जितने भी हमारे नेता हैं वो भारी भरकम जो है पेंशन लेते हैं, कोई MLA बन गया तो पेंशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो उसके अलग से पेंशन, तमाम पेंशन लेते हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आप एक कांग्रेस से भी शुरुआत करें कि हमारी जितनी भी पार्टीज में हैं, जब बीजेपी है कोई भी एक चर्जी पार्टी है, आप नेता लोग खुद अपनी पेंशन छोड़ दें? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने एक साल की बात करी, हम बोलते हैं कि बजाय एक साल के हमेशा के लिए इस पेंशन को क्यों ना बंद कर दिया नेताओं, क्योंकि ये तो समाज सेवा के लिए आते हैं 5 साल के लिए,
जो एक सोल्जर जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तमाम ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जो है अपनी पूरी जिंदगी 40 साल 42 साल जो है सर्विस में बिताते हैं, उसके बावजूद उनको पेंशन नहीं मिलती, लेकिन जितने भी आप लोग नेता लोग हैं आप लोगों को तो पेंशन मिल जाती है, वो भी डबल ट्रिपल, तो आप लोग अपनी पेंशन कब छोड़ेंगे? देश हित में उनके साथ खड़े हैं, और ये जवान जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के सरहदों पे खड़े रहते हैं, ये दिल्ली पुलिस जो अपनी जान जोखिम में लेके खड़ी रहती है, ये सब लोगों को पेंशन नहीं मिलती लेकिन हमारे नेताओं को पेंशन मिलती है। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश हित में राष्ट्र हित में सभी की आवाज़ हमने संविधान के मुताबिक आप तक पहुँचाई अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से। अभी हमने जो बातें रखी तमाम इन राजनीतिक पार्टियों से कि क्या आप अपनी पेंशन छोड़ेंगे, तो क्या उन्होंने जवाब दिया और कुछ इन्होंने भी पॉइंट की बातें करी और कुछ इनकी बातों को हमने भी जो है नकारा। पूरा मामला पूरा डिटेल वीडियो आपको जल्द मिलेगा कल तक, तो बने रहिएगा अपने चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं जल्द। जय हिंद।